हाय एवरीवन, तशी दिले जुले एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। वे कुछ फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आया था कि जब आप घर जाओगे तो घर का होम टूर ज़रूर देना, हमें देखना है आपका वहाँ का घर। अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है तो जितना है उतना मैं दिखा दूँगी, क्योंकि यहाँ विलेज में ना लाइक कारपेंटर मिलना बहुत ही मुश्किल है, बड़े मुश्किल से मिलता है। मतलब इस घर को बनते बनते हमें ना 5-6 साल हो चुके हैं, अभी भी पूरी तरह नहीं बना है, क्योंकि हर साल थोड़ा 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 बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो के लिए बहुत अच्छा ऐसा कुछ सजाया वगैरह, जो कुछ भी नहीं है, जैसा है मैं वैसा ही दिखाने वाली हूँ। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ तो रोड भी नहीं है, बट फिर भी लोगों ने इतना अच्छा अच्छा घर बना दिया है, तो सच में ये काबिले तारीफ़ है एक्चुअली, क्योंकि जहाँ पर रोड है वहाँ पर भी इतने अच्छे अच्छे घर नहीं बनाते हैं। चलो फिर टूर करवाती हूँ। यहाँ से ऐसे रास्ता है, यहाँ से ऐसे, तो ये देख सकते हैं हमारा घर। और यहाँ पे ये प्रेयर फ्लैग लगाया भैया ने, यहाँ पे एक है और वहाँ पे भी एक फ्लैग लगाया, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फ्लैग एक्चुअली। मैं ऐसे जाते, यहाँ पे है किचन गार्डन है, ये कड़म है, वहाँ पे धनिया है, वहाँ पे पुदीना है, ये मूली है, और वहाँ पे पम्पकिन है, वहाँ पे है कैबेज, और वहाँ है कुछ बीन्स, मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जियां लगा के रखे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे है पानी का नल, वहाँ पे दो नल है, दोनों में पानी आता है। और यहाँ से ऐसे जाते यहाँ पे है संगफोर्ट, तो ये है घर का एंट्रेंस, तो ये है मेन हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, लिविंग रूम भी बोल सकते हैं, किचन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे रखते हैं बर्तन, और ये जो नीचे है यहाँ पे रखते हैं अनाज, मतलब जो भी खेत से निकलते हैं अनाज वगैरह वो स्टोर करते हैं यहाँ पे। सीलिंग भी वुडन है, जितने भी अलमारी है सारे वुडन है, और ये साइड साइड से ये भी वुडन है। ये लिविंग रूम का जो फ्लोर है ये है सीमेंट का, और यहाँ पे बहुत ठंड होती है इसलिए ये बिछाया है, बट यहाँ पे ज़्यादातर वुडन का होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक शायद भैया भी वुडन का ही लगा लेंगे। ग्राउंड फ्लोर में एक और रूम है, ये रूम ज़्यादातर बंद रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सामान रखे हैं आजकल। इसके अलावा एक स्टोर है जहाँ पे लकड़ियाँ स्टोर करते हैं, और एक मॉडर्न किचन है जो अभी रेडी नहीं है तो मैंने नहीं दिखाया। वो वाटरफॉल वहाँ पे दिख रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये है हमारा वॉशरूम, और गांव में वॉशरूम बाहर ही होते हैं, देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी यहाँ पे सीमेंट पत्थर जो भी है बहुत कुछ है। तो यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ बनाए हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, चलते हैं। तो ये है लॉबी एरिया, यहाँ पे है ये फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, तीन रूम बनाए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं। कर्टन्स तो ला के रखे हैं भैया ने, बट लगाया नहीं है क्योंकि फिलहाल यहाँ पे कम शम रहते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं सारे धूल मिट्टी से, क्योंकि हमारी फैमिली सिर्फ यहाँ पे समर में रहते हैं, विंटर्स में हम गुलाबगढ़ चले जाते हैं। तो अभी पेंट भी नहीं किया है, कर्टन्स भी नहीं लगाए हैं, अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। फैन भी बनाया है यहाँ पे, फ़ैन की ज़रूरत नहीं है तो डिज़ाइन ही सही, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। और ये हमारा लोकल कारपेंटर्स ने बनाया है, और जो हमारा नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे बाहर से लाए थे भैया ने कारपेंटर्स। ये सारे हमारे कंबल जो हमारे यहाँ पे बनते हैं उलन ब्लैंकेट्स, ये अपना घर का ही है, यहाँ पर बनाया हुआ है सारे। ये है ड्रावर, इनमें अभी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। देखो ओ एन जी, ये पुराने बर्तन देखो, ब्रास का है तो नहीं, देखो ये प्लेट है, और ये भी पता नहीं कहाँ, ये बाउल टाइप है, और ये है कच्ची, तीन चीज़ें रखे हैं, और ये जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वाइन के लिए। तो देखो क्या क्या मिल जाते हैं यहाँ, यहाँ पे भी अभी तो देखो इनमें सामान है, अभी कंस्ट्रक्शन का सामान है सारे। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ बनाया है स्टोर करने के लिए बहुत सारे। सबसे अच्छा मुझे दरवाजे का डिज़ाइन लगा, देखो कितना प्यारा है, ऐसे कितना मस्त है क्या। हमारे वहाँ पे दो डॉगी सोया है,
ब्लैक, एक बालू, एक कालू। वाह देखो व्यू देखो यहाँ से, ओ एम जी। ओ हमारे अच्छा थे ना वहाँ पे, देखो पूरा हमारा छत कितना ज़्यादा है। स्काई देखो यार कितना ज़्यादा ब्लू है। करते हैं बंद, तो चलते हैं सेकंड रूम। तो यहाँ पे ऐसे छोटा मोटा सामान रखा है और इस रूम में चलते हैं। देखो क्या हो सकता है, आप गैस करो। तो ये है छोकंग यानी कि पूजा रूम, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है और मैं भी इसी बार देख रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए 2 से 3 महीने लग गए थे। एक एक चीज़, एक एक डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरे भैया दामा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनको पहले से मन था एक अच्छा सा छोकंग बनाने का। तो इस बार भैया ने बनाया और बहुत अच्छा बनाया है। तो ये बनाया है हमारा एक भैया ने, जो यहीं से हमारे गिंदारी वैली से और हमारा रिलेटिव भी है। तो उन्होंने सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है। तो अचौ पर अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो कमेंट ज़रूर करना। कुछ यहाँ रखने से पहले यहाँ पे एक बड़ा सा पूजा होता है, तो अभी वो पूजा नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। अभी अभी तैयार हुआ है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। मे बी नेक्स्ट ईयर तक सब कुछ रख लेंगे। अभी तो हमारा पूजा का जितने भी सामान है लाइक हमारे छोकंग का, वो हमारे पुराने वाले छोकंग में है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो देख सकते हैं यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा। तो यहाँ से ना होला साइड दिखता है। देखो ये वहाँ पे 2 बंदर बैठे हैं, बर्तन धो रहे हैं। देखो देखो ये गिर गई थी कल, इसके हाथ ना पूरे ऐसे सूज गए हैं, ये वाला हाथ। और ये सुबह से काम कर रही है, कपड़े धो रही है, आप भी देखो बर्तन धो रही है। क्या करें, मानते भी नहीं है। हमारा छोकंग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगा और कैसे बनाया है। चलते हैं अब तीसरे रूम में, है ना? हाँ ये वाला रूम, ये तो बड़ा है अभी, ये भी ऐसे ही है। तो ये है एक और बेडरूम और ये बहुत ही बड़ा है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, ये खाली है। जब भी यहाँ पे कोई मैरिज फंक्शन होता है तो तभी यूज़ करते हैं, फिलहाल अभी तो कोई यूज़ नहीं है। अभी ये वाला अच्छे से बनेगा फिर तब जाके ऊपर बनेगा, और उसके बाद फिर ऊपर तो शायद एक ही रूम बनेगा। इसमें 3 रूम और बन जाएंगे सेकेंड वाले फ्लोर में, तो बस फिलहाल यही है। हेलो, बस यही था फिर हमारा होम टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और पसंद आया। बस थोड़ा बहुत जो मैंने सोचा था दिखाने के लिए वो दिखाया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बालू, कौन है ये? ये कौन है? बालू है। ये कौन है? है। दे ताली। ओ चलो चलो, देखो आपके मम्मा क्या कर रहे हैं। देखो बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। बोलो चला टूया है। लाया चीज कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में।